रघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं हरे राधा कृष्ण चेयर नहीं उसको चेयर नहीं है चेयर नहीं उसको वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलम श्रीगुरोन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं हरे राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितांस ओम ज्ञानतिमिरांध्यस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नामयं गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने नामयं विष्णुपादाय आचार्य राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायणेति नामिने अतिमर्त्यचरित्राय नमः विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणि श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमर्त्यचरित्राय स्वाश्रितानञ्च पालिने जीवदुःखे सदात्राय श्री नाम प्रेमदायिने नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने हरिवार्षवानवि देवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्यजल प्रमाढ त्रिरूपानुग भक्ति श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये श्रीरूपानुगुरुधाम सिद्धांत दंतहारिणे नमः गौरवीश्वराय साक्षाद वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बधे पादाम्बुजाय ते नमः नमः भक्तिविनदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगभरायते गौर आविर्भावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जयतां सुरतरुपङ्गुर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपादाम्बुज श्रीराधा मदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाध श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्रीराधा श्रीलगोविन्ददेव पृष्ठलिभिः बहुमान स्मरामि श्रीमान् रासरसरम्भे वंशीवाटतटस्थित कर्षण वेणुशलिर्गोपी गोपीनाथ श्रीअस्तु न श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसति गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे धवनलसमसारि दत्त जीवकुल उधर कारणि करुणावारिधा कृपावारिधा
सल्ला तुम गा पीछे से वृंदावन वासे निरखी बनाया बनाया ने जो गल रूप राशी
गाओ कीजिएगा। शरचंद्र कांते विष्णुतम कांते हरि प्रेम माता Thank you.
हरे कृष्ण हरे राधे जय जगाल Thank you.
हरे कृष्ण ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैवत पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अजानुलम्बितभुजौ कनिकाभदातो सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपीकांत श्रीराधाकांत रमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग गद्यगल्य श्रवण कर रहे थे कैसे श्री ध्रुव महाराज काल के सर के ऊपर प्यार रख करके उन्होंने वैकुंठ विजय उन्होंने किया है। कहते उन्होंने ऐसे उन्होंने भगवत प्राप्ति किया जिस समय श्री ध्रुव महाराज वैकुंठ विजय कर रहे थे इतने में श्री नारद जी देख करके बड़े प्रसन्न हुए। बोले क्यों? बोले मैंने ऐसे एक शिष्य बनाया जो शिष्य संसार से उद्धार होकर के भगवत चरण की उन्होंने प्राप्त किया है। इसलिए नारद जी तीन श्लोकों के द्वारा उन्होंने श्री ध्रुव जी की महिमा को गाए। यहाँ पर साक्षात गुरुदेव हैं कहते ध्रुव जी की भक्ति को देख करके उनका भगवत प्राप्ति को देख करके गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए हैं। क्योंकि गुरु का काम किया है बोले गु मतलब अंधकार रु मतलब आलोक जो हमें ये अज्ञान रूपी अंधकार से उधार करके हमें भगवत गति को दो प्राप्त करा दे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं विशेष करके गुरुदेव क्या चाहते हैं बोले गुरुदेव दो चीज चाहते हैं। क्या क्या बोलो बोला। पहला चीज है कहते श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। इसलिए पहला चीज चाहते हैं कहते श्री नरोत्तम दास ठाकुर श्री रूप गोस्वामी के लिए ये श्लोक बोल रहे हैं। बोले जगत में जो श्रीमान महाप्रभु जिस उद्देश्य को जगत में लेकर के आए थे किस लिए लेकर के आए थे कहते जो अनर्पित चरिंचिरा करुणयावतीर्ण कलो वो अनर्पित प्रेम को देने के लिए महाप्रभु कलयुग में आए थे। इसलिए महाप्रभु का क्या इच्छा है पृथ्वी ते आशजत नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार है मरना उनको यही इच्छा है
एक दिन पृथ्वी में जितने नगर ग्राम सर्वत्र महाप्रभु का वाणी भगवान का नाम जगत में प्रचार हो, इसलिए रूप गोस्वामी ने क्या किया, उन्होंने वही काम किया, उन्होंने सुंदर सुंदर ग्रंथ रचना करते कर उन्होंने किया है, और उन्होंने अपना भजन आदर्श प्रचार किया है। इसलिए पहला इच्छा है जगत में महाप्रभु का वाणी प्रचार और जगत में प्रसार हो। दूसरा चीज क्या है कि दूसरा चीज ये शुद्ध रूप में जी भगवान की भजन करे, शुद्ध रूप में जी भगवत भजन करे और जगत में महाप्रभु का वाणी को जगत में प्रचार करे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, ज्ञानम अज्ञात तत्वाय जो दद्यात् सत्पथे मतम कृपालो दीननाथस्य देवास्तस्यानुगृह्णीत। जो व्यक्ति अनभिज्ञ व्यक्तियों को जो भक्ति विषय में जो निर्देश करता है, कहते भगवान उसको क्या करते हैं, हर समय उसका जीवन में जितने बाधा और विपत्ति को ठाकुर जी हर समय दूर करते हैं। क्यों? जगत में वो भगवत भक्ति को प्रचार कर रहा है, अज्ञा जीवों को भगवत भक्ति रास्ता की राह दिखा रहे हैं। इसलिए गत कले हम लोग ये चीज को श्रवण किया था, जब से ध्रुव महाराज जी जब उन्होंने अपना वैकुंठ विजय किया, नियम किया है, अभी उसको बाद में राज्य शासन कौन करेगा, इसलिए उनको कहते उनको अपना एक बेटा था जिसका नाम था उत्कल, कहते उन्होंने ये उत्कल को उन्होंने राज्य समर्पण करते हुए उन्होंने चले गए। इसलिए हमारे जो उत्कल देश है ना, कहते ये उत्कल, ये उत्कल देश का राजा थे, इसलिए उनका नाम से उसका देश उत्कल नाम पड़ा है। इसलिए लेकिन ये उत्कल है तो इनके लिए कह रहे हैं, उत्कल ये बहुत परम ज्ञानी थे, हैं बड़े धर्मात्मा, बड़े बहुत ज्ञानी थे, इसलिए उनको संसार का प्रति कोई इनकी आसक्ति नहीं थी। इसलिए ध्रुव महाराज तभी तो देख रहे गए, ध्रुव तो वैष्णव है, भक्त है, वो भी तो चाहेगा मेरे परवर्ती समय में ऐसे एक राजा को हम राजत्व तो दे करके जाए जो भजन करे और प्राणियों को भी भगवत भजन में जो लगाए। इसलिए उत्कल बड़े ज्ञानी थे, हैं बड़े ज्ञानी थे ये उत्कल, इसीलिए उन्होंने ये उत्कल को ही उन्होंने राज्य समर्पण करके गए। लेकिन इनकी व्यवहार दिखा रहे हैं, बोले जड़ांध बधिर उन्मत मुका कृति रतत्मति लखित पथि बालका नाम प्रशांत चिरिबानल। कह रहे हैं इनकी उत्कल का जीवन कैसे था, इनका चरित्र कैसे था, बोले जड़, देखने में लगता था ये जड़ है, हैं कहते बधिर, बधिर मतलब क्या है, लगता था जैसे ये मूक है, हैं बधिर, बोले मुकाकृति जैसे उन्माद, जैसे उन्मादग्रस्त पागल जैसे दिखता था, और मुकाकृति जैसे कुछ वाणी जैसे नहीं बोल सकता है, हैं और उनका मति उन्मादग्रस्त मति दिखता था। इसलिए लखित पति बालक का नाम, इनको बालक लोग क्या समझते थे, जड़ अंध बधिर उन्मत मुख उनको सोचते थे, हैं लेकिन क्या तत्व तो वो ऐसे थे क्या, बोले नहीं थे, हैं इसलिए कहते उन्मत बत जैसे दिखते थे लेकिन ऐसे नहीं, बोले ऐसे उन्होंने क्यों किया, कारण क्या है, कहते कारण कह रहे हैं ये इन्होंने देखा, जैसे भरत महाराज का जीवन चरित्र इसको इनको साथ में मिलता है, जैसे भरत महाराज उन्होंने जान बुझ करके पागल का उन्होंने ढोंग रचाया, बोले कि क्यों, बोले अगर मैं पागल का ढोंग नहीं रचाऊंगा ना, क्योंकि उनको पता है पहले मेरे 3 जन्म बिखर गया, पहले जन्म में मैं भरत बन करके आया और हमको उसी समय में भी हैं उसी समय में भी हमें भजन हिरण का प्रति आसक्त होकर जीवन गया, उसके बाद में मैंने हिरण जन्म प्राप्त किया, फिर उस समय भी हमारा जीवन गया, इसलिए 3 जन्म बर्बाद गया। अगर ये जीवन को और हम बर्बाद करना नहीं चाहते, ये जीवन को तो हम भगवान की भजन में लगाना चाहते, इसलिए उन्हें जड़ जैसे रहे। बोले क्यों, कारण क्या, बोले संसार में होनहार होना भी बड़ा गड़बड़ी है, कहते संसार में ज्यादा होनहार मत दिखाया करो, हमें इतने
क्वालिफिकेशन, हम इतने पैसा कमाने वाले, हमारे अंदर में ये गुण, फिर क्या होगा? फिर दोबारा संसार की फिर शादी करा देंगे, घर में एक बहू आ जाएगी, बस फिर तो ये जीवन उसकी चक्कर में फिर ये जीवन हमारी नष्ट हो जाएगा। हाँ, ऑलरेडी तो 3 जन्म गया है। कहते ये जीवन और मैं बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ, ये जीवन को भगवान की भजन में लगा करके ये जीवन को हम सार्थक करना चाहते हैं। इसलिए उसी तरह जैसे श्री भरत महाराज ने जड़ का जैसे उन्होंने एक बहाना बनाया, इन्होंने भी ठीक वैसे किया। कहते जागा तुम जगत में अगर मैं ज्यादा होनहार दिखाऊंगा तो बड़ी गड़बड़ी है, हैं? फिर ये संसार की माया के संसार में हमें फंसा देंगे हम। इसलिए उत्कल का जो देश है ना, इसलिए बड़े धार्मिक देश है, अक्सर करके वहाँ के आप प्रचार करो, हमारे इस्कॉन भी ज्यादा आप मंदिर में जाओ देखोगे उड़ीसा के बच्चों देखे, और हमारे भी उड़ीसा के यहाँ पर दो महापुरुष हैं उड़ीसा के, हमारे वहाँ पर भी देखोगे नोएडा मठ में भी वहाँ पर भी दो महापुरुष वहाँ पर भी है। इसलिए जगन्नाथपुरी में देखोगे वहाँ पर भी तो उड़ीसा ही उड़ीसा सब कैसे, जयपुर में भी दो हो गए। हाँ, जयपुर में भी, जयपुर में भी दो हो गए वहाँ उड़ीसा, ललित प्रभु, हाँ ललित बिहार के, इसलिए वहाँ पर भी है और हमारे वृंदावन में भी वहाँ पर भी उड़ीसा है, और हमारे विनोद मठ में वहाँ पर उड़ीसा दो है। इस्कॉन में देखोगे वहाँ पर इस्कॉन और बम्बे इस्कॉन और वहाँ पर देखोगे अक्सर करके उड़ीसा उड़ीसा के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अक्सर करके उड़ीसा में ज्यादा भगवान का मंदिर मठ मंदिर बहुत ज्यादा गाँव गाँव में। इसलिए उन्होंने बड़े धार्मिक, उत्कल बड़ा धार्मिक थे, इसलिए वो उत्कल का देश यहाँ पर बता रहे ना, हुत्कले पुरुषोत्तमात् चतरास्ते कलो भाव्यात् हुत्कले पुरुषोत्तमात्। इसलिए पद्म पुराण कहता है उत्कल देश में श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र से ही ये धर्म वहीं से ही प्रचार प्रसार होगा। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, इसलिए उन्होंने उत्कल में ओडिशा देश में जगन्नाथपुरी में ही उन्होंने जन्म ग्रहण किया। अभी हाँ, अब ये प्रशांत चित्त में हर समय बड़े प्रशांत चित्त में अवस्थान करते थे, लेकिन कुल वृद्धों ने देखा ध्रुव महाराज तो इनको राज सिंहासन में बैठाया, लेकिन ये तो उन्मत्त जैसे लगते हैं। इसलिए कहते राजा बनने के लिए तो राज्य शासन करना पड़ेगा ना, ऐसे तो रहने पर हैं, ऐसे रहने पर तो फिर तो राज्य शासन हो ही नहीं सकता है। इसलिए उन्होंने उनका जो दूसरा भाई है ना, कहते ब्रह्मी नंदन और बत्सर के हैं, उनको और दो भाई थे, एक ब्रह्मी नंदन और बत्सर के उन्होंने राज्याभिषेक उन्होंने किया, उनको राजवंश भी किया। लेकिन इसी वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था अंग, लेकिन जब अंग हुए ये अंग भी बड़े धार्मिक बने, इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किया। लेकिन जब अश्वमेध यज्ञ करते हुए देवताओं को यज्ञ में जब उन्होंने आहुति प्रदान की, लेकिन यज्ञ में कोई भी देवता आहुति लेने के लिए कोई भी नहीं आए, हैं कोई भी नहीं आए। जब नहीं आए इतने में जो ऋतु के लोग जो ब्राह्मण लोग थे वो आश्चर्य हुए, बोले यज्ञ में तो आहुति दी गई, फिर ये देवता लोग क्यों नहीं आए, कारण क्या है, क्या ये यज्ञ में कोई, इसलिए नियम है जो यज्ञ है ना शुद्ध रूप में यज्ञ होनी चाहिए। इसलिए हम जैसे इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा जैसे हम सारे अवतारों का नाम लेकर सखियों को नाम लेकर के आहुति देते हैं ना, लेकिन पहले जब आहुति देते थे सख्यात वो यज्ञ में सख्यात रूप में ये देवता लोग को प्रकट हो जाते थे, प्रकट होकर के वो क्या करते थे उसको ग्रहण करते थे। भले हम लोग तो किया क्या यज्ञ में कुछ कमी रह गई जो कि ये देवता लोग आए नहीं हैं, अगर देखो तो देवता लोग नहीं आएंगे तो ये यज्ञ तो निष्फल है। सब लोगों को उन्होंने प्रश्न किया सदस्यों को, लेकिन सब लोगों ने बोला कमी तो एक है, बोले क्या है, बोले आपका कोई संतान नहीं है, निसंतान आप हो। जैसे कोई वृक्ष हो अगर वृक्ष में फल नहीं हो फिर क्या होगा, वो फलदार वृक्ष नहीं, उसको अमंगल मानी जाती है। इसलिए भागवत में आया, क्या आया भागवत में, हैं
भागवत में आया जिस समय हैं उन्होंने जग आहुति दिए हाँ क्या जो उसमें कौन आत्मदेव हैं आत्मदेव पुत्रहीन होने का नाते घर में गैया भी आई बांझ हो गई पेड़ भी लगाए पेड़ में भी फल नहीं आया। पूर्वजों को कोई वस्तु देते हैं उग्र उनको जैसे लगता है कोई गर्मी चीज दे रहे हैं इनके घर में कोई पेड़ लगाए तो उसमें फल नहीं आता है। इसलिए गांव वाले अगर उसका मुंह देख लिए बोले आज अमंगल होगा पुत्रहीन। इसलिए हमारे भक्तिवेदन नारायण गोस्वामी महाराज जब विदेश जाते थे वो ये देखना नहीं चाहते थे सामने कोई जिसकी पुत्र नहीं है ऐसे स्त्री को देखना नहीं चाहते थे। गुरुदेव कभी कभी नाराज हो जाते थे कहाँ से आ गए सामने पुत्रहीन हैं। इसलिए नियम है शास्त्र में बताया पूर्ण कलश होनी चाहिए जो गाभी होनी चाहिए इसको बताया। अगर ये सब चीज को दर्शन करते हुए जाओ जिस जिस स्त्री की संतान है उनका दर्शन करते हुए जाओ ना कहते तुम जिस काम के लिए जाओगे वो काम तुम्हारी सक्सेसफुल होगा मंगलमय होगा हैं। इसलिए उन्होंने बोले इसकी आपके संतानहीन हो इसलिए संतानहीन होने का नाते यज्ञ में आपको कोई देवता आपको भाग लेने के लिए कोई नहीं आए। तो बोले क्या करनी चाहिए बोले एक काम करो आप एक काम करो आप यज्ञ में श्री पुरुषों के श्री भगवान को श्री हरि को वर्ण करो। देखो भगवान को कोई भी काम में अगर भगवान को स्वीकार कर लिया ना तो सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। ये सब जो चीज बताए पुत्रहीन ये किसके लिए है जो भगवान की भजन नहीं करते हैं भक्ति नहीं करते हैं। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं ना कितना मंगल भवन अमंगल हरि जो भगवान की भक्ति करते हैं अगर पुत्र नहीं कोई बात नहीं अपना गोपाल को ही बेटा मान लो भगवान को बेटा मान लो ठाकुर जी की बेटा मान लो बोले इससे बड़ा बेटा जगत में कौन हो सकता है। इसलिए तभी ये सारे दोष है जब हम भगवान की भजन नहीं करते हैं। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति कर लेते हैं फिर सारे दोष हमारी दूर हो जाती हैं। इसलिए बोले यहाँ पर बोले एक काम करो भगवान हरि को आप वर्ण करो। जो उन्हें हरि को वर्ण किया उस समय में फिर देवता लोग आ करके क्यों ठाकुर जी आ गए ना इसलिए सारे अमंगल को दूर करने वाले ठाकुर जी इसलिए सारे देवता ने भाग ग्रहण किया हैं। प्रभु के जहाँ चाहिए और भगवान कैसे है बोले भगवान को आप जो चाहो ठाकुर जी सब इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। कहते एक दिव्य पुरुष जब उन्होंने यज्ञ किया एक यज्ञ पुरुष एक यज्ञ से कुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए खीर लेकर के हैं खीर लेकर प्रकट हुए और उन्हें राजा को प्रदान किया। राजा को प्रदान किया तो राजा ने उसको लेकर के घ्राण करके उनका जो पत्नी था सुनीता उनने सुनीता को प्रदान किया। सुनीता को देने पर उनकी गर्भ से बैण का जन्म हुआ। लेकिन जो बैण है ना ये बड़ा दुष्ट हुआ बैण बड़ा दुष्ट हुआ। तो यहाँ पर प्रश्न यहाँ करते हैं विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं ये तो यज्ञ से है भगवान का हरि को वर्ण किया यज्ञ किया वहां से ये निकली खीर फिर वो दुष्ट कैसे हुआ बैण है। कहते कारण ही जो बैण का जो माँ हुई जो सुनीता ये पहले उन्होंने कहते उनको उन्होंने बहुत कुकर्म किया था मेरे ठीक से याद नहीं आ रही उन्होंने मैं सुना था भैया वो बहुत बड़े कुकर्म किया है वो जो कुकर्म करने का नाते उसकी पाप स्वरूप से बैण जन्म हुआ पाप स्वरूप से बैण जन्म हुआ। लेकिन बैण तो दुष्ट जन्म हुआ लेकिन इसकी कारण बना बैण का ये एक कारण बन गया बैण तो दुष्ट हो गया लेकिन इसको जो पिता है ना लेकिन पिता का उपकार हुआ है पिता का क्या उपकार हुआ अभी हम कथा सुनेंगे। पिता का उन्होंने लास्ट में उन्होंने वैराग्य को धारण किया लास्ट में उन्होंने उनको पिताजी दुखी होकर संसार छोड़कर चले गए ये एक कल्याणदायी हुआ। दूसरा क्या हुआ चूंकि ये यज्ञ से ये प्रकट हुए थे जब इनकी शरीर को मंथन करेंगे साक्षात भगवान पृथ्वी जन्म लेंगे ये पृथ्वी जन्म ग्रहण करेंगे ये चीज हुई है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं यह जानता है भी बैण जब ये अभी तो बड़ा दुष्ट बन गया क्योंकि माँ की दोष से इसलिए शास्त्र में बताया ना जो गर्भ में संतान हो उस समय माताओं को उल्टा पुल्टा चीज खानी नहीं चाहिए उल्टा पुल्टा चीज देखनी नहीं चाहिए उल्टा पुल्टा चीज करनी नहीं चाहिए क्योंकि वो सारे के सारे संस्कार बच्चे गोबर में पड़ता है।
अगर माँ अगर भक्ति करे, भजन करे, गीता रामायण भागवत पढ़े तो क्या होगा, वो बच्चा पर संस्कार बन करके जन्म ग्रहण करेगा। इसलिए इसलिए कहते हैं गर्भ संस्कार, इसलिए गर्भदान संस्कार है, इसलिए जन्म संस्कार, ये सब संस्कार संस्कार नाम बताया। अभी ये क्या हुआ, ये दुष्ट हुआ पेड़, इसका हर समय में मृग्या करने के लिए जाता था, वो बहुत हिरण को मारता था, मांस खाता था, ये है मांस खाता था। अगर सम वयस अगर कोई बालक मिले है ना खेलते हुए, उसको मार डालता था ये बेड़ ने। अगर दूर से अगर बेड़ को अगर कोई देख लेता था ना, अरे बेड़ आ रहा है, इसको देख करके भय में सबके सब वो मार डालेगा, भाग जाते थे, बेड़ आ रहे बच्चे लोग भाग जाते थे, चित्कार करने लग जाते थे। अभी पिताजी ने जब देखा बेटा इतने दुष्ट बदमाश बन गया, तब पिताजी ने बहुत कोशिश किया उनको समझाने के लिए, ताड़न किया, भर्त्सन किया, उसको शासन किया उनको, लेकिन करने पर भी, लेकिन संस्कार से तो गड़बड़ी आई ना, संस्कार तो गड़बड़ी है, लेकिन उन्होंने सुना नहीं, जब सुना नहीं बड़ा दुखी तो हुआ। दुखी होकर के उन्होंने यहाँ पर एक अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर बात कहते थे, कहते जो गृह में दी व्यक्ति है ना, अगर घर में अगर संतान नहीं होता है, हैं वो क्या करते हैं, भैया संतान होनी चाहिए, घर में बच्चा होनी चाहिए, घर में बेटा होनी चाहिए, लेकिन अगर कुपुत्र अगर तुम्हारी जन्म हो गया, कहते संतान नहीं रहेगा तो एक दुख है, लेकिन संतान होकर के बात नहीं सुने ना, डबल दुख है, हाँ उसका डबल दुख है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अगर कुपुत्र अगर हो गया ना, फिर जिंदगी भर तुमको, जिंदगी भर पिता दुखी रहते हैं, क्योंकि हर बात को अमान्य करता, गलत रास्ता पर चलेगा, उल्टा पुल्टा करेगा, हर समय पिताजी को दुख दुख ही पिताजी को होगा। इसलिए उसको धारण करना बड़ा कठिन है, लेकिन अधर्म पुत्र हो गया होने का नाते जगत में इसका बड़ा बदनामी है, बेण ऐसे किया, बेण ऐसे किया, उनके पास में शिकायत आए, बेण ने ऐसे किया, बेण ने ऐसे किया, राजा ने देखा जगत में मेरी बड़ी है निंदा हो रही है, अभी हर समय मन में पीड़ा रहती है। इतने में राजा ने स्थिर किया है, अभी कब तक इसको सहन करूंगा, लोक लज्जा भी है, हैं लोक रज्जा है, इसलिए वो सोच रहे हैं अभी मैं अपना घर छोड़ करके, राज्य छोड़ करके मैं निर्जन में जा करके साग फल मूल इसको तरह मैं अपना जीवन निर्वाह करूंगा। भगवान हमें ये मानव शरीर दिया है, ये मानव शरीर का जो परमायु आयुष को मैं धन्य करूंगा। इसलिए उन्होंने ये सोच करके उन्होंने स्थिर कर लिया घर हम छोड़कर भजन करने के लिए चले जाना। देखो यहाँ पर एक और बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, अच्छी बात बता रहे हैं, क्या बोले, कदप्यतम बरम मन्ने सदपत्याचुचापदात निर्बीद्यम गृहमर्त्यजत क्लेश निर्भया गृहा। यहाँ पर कह रहे हैं, कहते सुखेर कारण सुसंतान अपेक्षा कुसंतान सुखदायक। यहाँ पर कह रहे हैं अगर जो कहते सुखेर कारण सुसंतान है, जो शोक का कारण सुसंतान अपेक्षा कुसंतान दुखदायक, कारण कुसंतान थे के संसार दुख दुखी अनुभूति है। यहाँ पर कह रहे हैं कहते सुखेर कारण सुसंतान अपेक्षा है, कहते जो सुसंतान है भगवान कुसंतान, कहते अगर घर में कुसंतान तुम्हारी अगर घर में हुआ है, अगर तुम्हारी संतान अच्छे नहीं हुए, क्योंकि संतान अगर कुसंतान तुम्हारी हुई, अगर इसको द्वारा अगर तुमको संसार का दुख मिला तो उसको द्वारा क्या होता है, क्या अनुभूति होता है, ये संसार अनासक्त है, संसार से उसको अनासक्त कर देता है। अगर संसार घर में अगर सुसंतान अगर जन्म हुआ तो उसको द्वारा क्या करता है, उसको संसार से अनासक्त कर देता है। इसलिए इसी घर में तो कुसंतान हुई है, लेकिन कुसंतान होने पर क्या हो गया है, उसको ये हो गया, उसको संसार से वैराग्य आ गया। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन सबको वैराग्य नहीं आता,
सबको बजा के, सबको बजा के नहीं आते हैं। कुछ तो ऐसे लोग इतने संसार में, बच्चा का डंडा पड़ रहा है, बहू की डंडा पड़ रही है, बच्चों का, सबकी डंडा पड़ रही है, और जितना डंडा पड़ता है ना उसने ज्यादा आसक्ति होती जाती है। नाती बती कोई बात नहीं सुनते, संसार से उसको वैराग्य नहीं होता है। सबका डंडा पड़ने पर भी उसको वैराग्य नहीं होता है, लेकिन जिसके पूर्व जन्म को संस्कार रहेगा वही केवल इससे वैराग्य पूर्वक भगवान की भजन करेंगे। अभी राजा अंग का संसार का प्रति निर्भेद हो गया। एक दिन सुनी था उनकी जो पत्नी एकदम गाढ़ नींद में सो रही थी, उसी समय में राजा अंग ने ये समृद्धशाली राज्य को उन्हें परित्याग करके उन्हें जंगल में चले गए। जब जंगल में चले गए, सवेरे होते ही सारे प्रजाओं को पता चला राजा कहीं चले गए। अभी सारे प्रजाओं में ढूंढे राजा कहाँ गए, प्रजा कहाँ गए, लेकिन उन्हें ऐसे घोर जंगल में चले गए जहाँ पर उनको ढूंढ करके भी प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए उनको प्राप्त नहीं किए। अभी सारे प्रजा लोग वापस चले आए, लेकिन राजा ने भगवत भजन करते हुए अपना जीवन को उन्हें धन्य बनाए। अभी जब राजा चले गए, अभी राजा के बगत राजा के बगत राज्य में तो अराजकता फैल जाएगा, जगत में बड़ी अराजकता फैल गई है। अभी क्या करनी चाहिए, कोई राजा होनी चाहिए, लेकिन अभी प्रजा लोग नहीं चाहते बैंड को राजा सिंहासन में स्थापन कर, क्यों, ये दुष्ट है। लेकिन अभी क्या किया जाए, लेकिन प्रजा का अनिच्छा सत्वे भी, और उनका जो पत्नी थी सुनीता है, माँ थी सुनीता, बोले किस कुछ को तो राज्य चाहिए, जब अराजकता, इसलिए उन्होंने बैंड को उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया। अरे राज्याभिषेक करते ही इतने में बस वो तो अपना स्वरूप दिखाना शुरू कर दिया। क्या स्वरूप दिखाया, बोले श्रित्वा निरपासनम गतम बैणमत्यो उग्रसासनम नीले द्वियुदर्श सद्य सर्पया इवा खगा। कहते कुछ लाभ हुआ और कुछ नुकसान हुआ। नुकसान किया, लाभ क्या हुआ, जब सुना जे बैर ने राज्याभिषेक होगी, राजा बन गए, कभी जितना चोर लोग थे ना उसका जो शासन था बड़ा उग्र शासन था, अगर थोड़ी सी कोई अपराध करना सीधा सूली पर चढ़ा दो उसको, बड़ा उग्र शासन था। उदाहरण देते हैं, जैसे सर्प की डर से चूहे जैसे बिल में घुस जाते हैं, कहते ठीक उसी तरह जब उन्हें राज्याभिषेक हुआ, जितने चोर डाकू थे ना वो सब के सब बिल में घुस गए। बोले भैया चोरी भरी मत किया करो, नहीं तो सीधा है सीधा सूली में चढ़ा देगा ये। इसलिए एक तो लाभ हुआ है, हैं, जैसे अभी जोगी आया है, क्या क्या जितने दुष्ट थे सब के सब क्या क्या, बस सब शूट कर दो, सब मार दो, इनको सब खत्म कर दो इनको। इसलिए कहते यहाँ पर सब के सब डर गए। इतने में कहते ये तो लाभ हुआ है, तीन, लेकिन और अपकार किया, ये तो उपकार हुआ, अपकार क्या हुआ, अभी वो गर्व अहंकार में, अभी सप्तद्वीप का राजा मैं हूँ, हैं, मैं पंडित, अपने आप को पंडित मान करके जितने महाभागवत भक्त लोग थे, संत थे, उनको अपमान करना शुरू कर दिया। उनने क्या बोला, उनका राज्य में क्या बोला सुने, बोले न जष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दिजा क्वचित इति नेवारयत धर्म भरी घोषेण सर्वत्र। उन्हें सर्वत्र उन्होंने क्या घोषणा कर दिया, बोले देखो मोर उसको यहाँ पर उदाहरण देते, जैसे अंकुश रहित जैसे हाथी, अगर जिस हाथी को कोई कंट्रोल नहीं, अंकुश रहित क्या होता है, वो एकदम सर्वत्र प्रजटन करता है, जहाँ देखेगा उसको मारेगा पीटेगा ये करेगा, ठीक उस तरह के उन्होंने क्या किए, बोले देखो कहीं भी यज्ञ नहीं कर सकते हो मेरे देश में, कहीं दान नहीं कर सकते हो, उनने भैरी घोष को द्वारा उनने घोषणा कर दिया। इसलिए मुनिगण व्यवहार बुझते पार ले धर्म नष्ट, अभी इनकी है, कहते उन्होंने ब्राह्मणों को भी बताया, बोले देखो कहीं तुम हवन नहीं कर सकते हो कहीं भी। उनने जब उनने बताए, इतने में जितने धार्मिक जो मुनि ऋषि लोग ने थे, उन लोगों ने देखे भैया बड़ी गड़बड़ी हो रही, अगर ऐसे राजा करेगा तो जगत में धर्म का हानि होगा, नष्ट होगा। इसलिए उन लोगों ने सोचा हम लोग मिल करके उसका तो राज्य से राजाभिषेक कर लिया,
मानव राज्याभिषेक नहीं किया जैसे सर्प को मैंने दूध पिलाओ तो क्या होता है, सर्प को ज्यादा क्या होता है उसका, उसको ज्यादा विष विषैला बन जाता है। कहते उसी तरह हम लोगों ने इसको गड़बड़ कर दिया, इसलिए क्या किया, क्या करनी चाहिए, बोले इनको पहले हम जाकर सब समझाए हैं, तुम जो कर्म कर रहे हो वो कर्म सही कर्म नहीं, तुम सदमार्ग पर चलो, उसको समझाएंगे। अगर वो नहीं समझेगा ना फिर तो उसको हम मार डालेंगे, उसको हम मार डालेंगे हाँ, उसको भस्मीभूत कर डालेंगे। इसलिए सब ऋषि मुनियों ने जाकर के उसको सांत्वना दिया, उनको अच्छे परामर्श दिया, बोले देखो जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है उसको क्या होता है, उसका आयु भी बढ़ता है, ऐश्वर्य बढ़ता है, कीर्ति बढ़ता है, हैं। और देखो तुमको हम सावधान से बता रहे, अभी सावधान होकर सुना, क्या सुना, बोले तुम धर्म को अनुष्ठित में स्वर्ग प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है, और लोगों द्वारा का धर्म नष्ट होता है उसको द्वारा सारे तुम्हारी ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा, हैं, ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए कद जो राजा शास्त्र के निर्देश के अनुरूप प्रजाओं को पालन करेगा उसको क्या होगा, हैं, कहते असाधु दस्यु तस्कर आदि थे के, कहते प्रजा को, कहते जो असाधु दुष्ट दुष्टों से जो प्रजाओं को रक्षा करता है उसको परलोक में भी उसको सुख की प्राप्त होता है। लेकिन जो देश में प्रजा लोग ने जो धर्म आचरण नहीं करते हैं उसी देश में हैं भगवान की कृपा भी वो देश में नहीं प्राप्त होता है। इसलिए प्रभु अगर संतुष्ट होते हैं जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए हैं कर्तव्य तादर धर्म नियम है, खुद भी जीवन में धर्म करो और प्रजाओं को भी धर्म के रास्ता पर राह पर चलाओ। देखो यहाँ पर कितने अच्छी अच्छी बात बताए हैं। इसलिए अगर प्रजा, अगर राज्य में प्रजा अगर स्वयं धार्मिक हो, स्वयं राजा भी अगर धार्मिक हो तो उस देश में मंगल मंगल ही होता है, उस देश में कल्याण कल्याण होता है। लेकिन अभी कलयुग होने का नाते कहते जो राजा लोग अधार्मिक बन गए हैं, लेकिन भाग्य से मोदी कैसे आ गया, भाग्य से मोदी कैसे आ गया, ब्राह्मण वो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण है ना, इसलिए वैसे जाते हैं हाँ। इसलिए कम से कम धार्मिक राजा आया है, इसलिए जिस देश में राजा धार्मिक हो धर्म कर्म कर्म में, जैसे हमारे यहाँ पर जोगी भी है, एक साधु भी, एक साधु भी मुख्यमंत्री बना, ये बड़े भाग्य की बात है, हैं, जो जिनकी धर्म में जिनकी रुचि हो। इसलिए सारे बात कह रहे जिस देश में धर्म कर्म अच्छे तरह से हो, प्रजाओं को धर्म मार्ग पर चलाया जाए और राज्य बड़े सुंदर रूप में भगवान की कृपा मिलती है, राज ऐश्वर्य उसको सब कुछ प्राप्ति होती है। उन्होंने बैण को हर तरह से समझाने के लिए कोशिश किया, लेकिन जब कोशिश किया लेकिन वो तो बड़ा दुष्ट है, इसको सुन करके ना उसने जोर जोर से हंस ठा लगा हंसे, बोले देखो ये क्या बोल रहे हैं सब के सब, बोले बालिसा बत जुयम्बा अधर्मी धर्म मानिना जे वृति दंपति हित्वा जारम पति उपासते अब जानंतम मैं मूढ़ा नृप रूपेण मीश्वरम नानु बिंदति ते भ्रद्रम मिहलोक परत्र च। यहाँ पर कहते देखो ये जितने मूर्ख पंडित जैसे सबके सब बात कर रहे, ये लोग अधर्म को ये धर्म मान रहे, बोले क्यों, यहाँ पर उदाहरण देते हैं, जे वृतिदम पतिम हित्वा जार पति उपासते, कहते अगर कोई स्त्री अपना पति को छोड़ करके अगर पर पुरुष को अगर कोई सेवा करे तो उसका जैसे कल्याण नहीं। इसलिए देखो अपने को धार्मिक मानते जितना अधर्म की बात है सब कर रहे हैं, बोले क्यों, बोले अब जानंत इतने मूढ़ा नृप रूपीण ईश्वरम है। यहाँ पर कहते हैं सर्वदेवमय नृप, शास्त्र में बताया जो राजा है ना ये सर्वदेवमय है और नृप रूपीण ईश्वरम, जो ईश्वर ही जगत में राजा रूप में ईश्वर का ही विद्यमान अवस्थान है। लेकिन देखो ये मूर्ख लोग कैसे हैं राजा को छोड़कर के नानु बिंदति ते भद्रम यह लोके परत्र च, इसलिए ये लोग कैसे
धर्म को कैसे अधर्म मान रहे हैं, इसलिए कहते हैं मूढ़ लोग निरपर रूप में जो ईश्वर मैं हूँ मेरे को अवज्ञा कैसे कर रहे हैं, इसलिए तुम लोग को यह लोग परलोक में तुम्हारी कल्याण नहीं होगा। उसने बोले तुम्हारी कल्याण नहीं होने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र चंद्र वायु समस्त देवता ये राजा के अंदर में विद्यमान है। इसलिए ऋषियों को उपदेश दिया तुम लोग मेरी प्रति जो ईर्ष्या कर रहे हो ना, ये ईर्ष्या को परित्याग करो और मेरे को पूजा करो। उन्होंने जो बात बताई बात सही है, लेकिन कौन सा राजा के अंदर में, जो धार्मिक राजा के अंदर में, इस सारे शास्त्र की बात है, धार्मिक राजा के अंदर में सारे कहते ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र चंद्र वायु सबके राजा के अंदर में विद्यमान है। लेकिन अगर राजा धार्मिक हो तो जखन भ्रांतम अति पापिष्ट हाँ नष्ट पूर्ण व्यथ सुने। अभी उन्होंने इतने में जब ऋषि लोगों को उन्होंने ऐसे बोले, इसको सुन करके ऋषियों ने देखा, देखो इसका मति कैसे भ्रांत है, हैं ये पापिष्ट कैसे असत मार्गी हैं नष्ट पूर्ण, इसको बात को सुन करके बैण को दर अपमानित हो करके उन लोगों ने क्या किया, अत्यंत क्रोध उनके अंदर में आया, बोले ये निष्ठुर को संहार करो, ये पापात्मा को हैं था जगत में रहने पर जगत का संसार संहार करेगा, इसलिए ये राज्य सिंहासन में बैठने का इसका कोई योग्यता नहीं। इसलिए यज्ञेश्वर भगवान हरि को ये निंदा कर रहा है, इसलिए बैण के विनष्ट करते कृत संकल्प हुए, बोले बैण को हम विनाश कर देंगे। इतने में सारे ऋषियों के अंदर में बड़ा क्रोध आया, क्रोध आने पर उन्होंने हुंकार किया और हुंकार करते ही बस वही एक हुंकार से बैण खत्म। जब बैण खत्म हो गया, अभी उनकी जो माँ थी, लेकिन माँ के हृदय में तो ममता है ना, बेटा जितना दुष्ट हो लेकिन माँ ने बड़ी दुखी हुई, मेरा बेटा हैं दुखी हो गई। अभी उन्होंने मैया ने क्या किया, उसको मंत्र पूर्वक तैल तेल की जो भांड में प्रक्षेपण करके शरीर को उन्होंने रख्या किया। अभी क्या हुआ, राजा नहीं रह गया, राजा नहीं रह पर जगत अराजकता है, फिर जगत में अराजकता आ गई। उसको देख करके ऋषि लोग ने विचार किया, अभी क्या किया जाए, उसको तो मार डाले, अभी तो रक्षा करना पड़ेगा ना जगत को। अभी कहले ब्रह्म तप नष्ट है, कहते यहाँ कहते दुर्बल का प्रति जगत में क्या होता है, जब अराजकता फैली जाती है जिसको अंदर में ज्यादा ताकत होता है, और जो दुर्बल व्यक्ति के ऊपर में अत्याचार करना शुरू कर देते हैं, हाँ? दुर्बल व्यक्ति को अत्याचार करते हैं दर्शन करके। अभी हैं अभी उसको अगर उस जिस देश में अगर दुर्बल के ऊपर अत्याचार होता है वो भी अच्छी नहीं, उसमें सारे देश में जो ऋषि लोगों के ऊपर में कहते जो ब्रह्म तप उसका नष्ट हो जाता है, इसलिए ऋषि लोग इसी विषय को चिंता करके उन्होंने हैं उन्होंने क्या किया, भगवान राजा उत्पन्न हुए छे चिंता कर बैन उन लोगों ने कहते इसी वंश में बड़े बड़े केशव प्रिय, इसी वंश में बड़े बड़े केशव प्रिय जो राजा है भक्त राजा इसी वंश में बहुत उत्पन्न हुए हैं, इसको चिंता करके उन्होंने बैन का जो उरु है हैं ये उरु को उन लोगों ने मंथन किया, उरु को उन्होंने मंथन किया। जब मंथन किया वहाँ पर एक बौना जैसे पुरुष प्रकट हुआ, छोटा सा बौना जैसे पुरुष प्रकट हुआ। जब प्रकट हुआ उसको देख करके उसका रंग कैसे एकदम काला रंग है, काक सदृश रंग है, अंग बाहु खरबाकृति है, देखने में सुंदर नहीं, और जो कपल हैं दुई प्रांत भाग अति बृहत, उनका जो सर है हैं वो बड़ा, उसका सर है जो उसका प्यार है वो बड़ा खरबाकृति, नासिका उच्च अनुन्नत मतलब उन्नत नासिका नहीं, उसका जो चक्षुदय एकदम लाल वर्ण उसका चक्षुदय, और उसका जो केश है ताम्र वर्ण उसकी केश है। इतने में ऐसे ही पुरुष प्रकट हुआ, प्रकट होकर के हाथ जोड़ करके बोले मेरा क्या कर्तव्य है, उन्होंने पूछा मेरी क्या कर्तव्य, उन्होंने उसी समय उन्होंने बताए हैं, उनको बोले निषिद्ध, निषिद्ध माने तुम बैठ जाओ, उसको बोले निषिद्ध माने तुम बैठ जाओ, तुम्हारे कोई कर्तव्य बैठ जाओ, इसलिए उससे प्रकट हो गया निषाद,
उन्हें निषेध, निषेध मतलब क्या, तुम उपवेशन करो है, निषेध निषेध करते ना, मना करते हैं, इसे निषेध, वहां से कौन हुए, निषाद हुए। यही निषाद लोग कहाँ रहते हैं, ये लोग जंगल में, ये निषाद लोग सबके सब ये जंगल में रहते हैं ये लोग है। अभी फिर क्या किया, बोले और क्या किया जाए, फिर उनको बाहुद्वय को मंथन किया, और बाहुद्वय को मंथन किया तो एक सुंदर पुरुष हैं, एक सुंदर पुरुष और स्त्री। निशा से क्या हुआ, निशा से क्या हुआ, प्रकट हुआ ऋषि कहा ना उसको, निशा प्रकट हुआ, निषाद, निषाद भगवान राम का निषाद मतलब है ना, हाँ निषाद मतलब जो जंगल में देखने में वो लोग काले आदिवासी जैसे होता है ना, हाँ जो आदिवासी जंगल में देखने में बड़े निषाद प्रकट हो गए, वो लोग सब सब जंगल रहते थे, जंगल में रहते थे। फिर दूसरा क्या होता है, क्या हुआ, फिर उन्होंने बाहुद्वय को मंथन किया, हाथ को, उन्होंने बाहुद्वय को मंथन किया था, एक पुरुष और एक स्त्री, स्त्री उत्पन्न हुए हैं। ऋषिरा बोल लो ये भगवान विष्णु का अंश में ये पुरुष जन्म हुआ है, ये जो स्त्री कौन है, ये सनातनी लक्ष्मी अंश में संभूता हुई स्त्री, इसलिए ये जगत में, ये पुरुष जगत में बड़े सुंदर जस को विस्तार करेगा, इसलिए इसका नाम दे दिया पृथु, और पृथु नाम से प्रसिद्ध होगा, और ये चक्रवर्ती, राजा चक्रवर्ती होगा है, प्रभाव क्षत्रिय बाहुद्वय थे के, कहते भगवान रे प्रभाव, कहते क्षत्रिय भगवान कहते हाथ में ताकत, कहते हम हाथ का शक्ति से सब कुछ, बाहु की शक्ति में हम सब कुछ कर देंगे, कभी कभी बोलते हैं ना, इसलिए भगवान रे प्रभाव क्षत्रिय बाहुद्वय के था, बाहुद्वय था के भगवान के हाथ में सारी ताकत रहता है, इसलिए ये अभिप्राय ऋषि के बाहु मंथन कर लेन, इसलिए ऋषि लोगों ने बाहु मंथन किया था, इसलिए प्रथयिता जस विस्तार कारिणी निरुक्ति हेतु पृथु, प्रथयिता, प्रथयिता मतलब जो जस को विस्तार करते हैं, इसलिए प्रथयिता और निरुक्ति हेतु पृथु महाराज हुए। और उनकी जो सुंदरी एक स्त्री जो प्रकट हुई है, कहते वो देखने में बड़े दिदीप्यमान, बड़े सुंदर देखने में थे, कहते भूषण समूह को द्वारा, आभूषण द्वारा है, बड़े सुंदर थे, इसलिए उनका नाम भूषण रूपा, इसलिए इनका नाम अर्ची नाम में व्याख्यात होगा, इनका नाम भूषण सुंदरा, कहते भूषण समूह भूषण रूपा, बोले भूषण को जो भूषण करने वाले, भूषण को भी जो भूषण करने वाले, ऐसी जो दिदीप्तमान जो थी एक स्त्री, इसलिए इसका नाम रख दिया उन्होंने अर्ची, इसलिए पृथु और अर्ची, इनकी वेद से पृथु और अर्ची ये दोनों प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए, क्योंकि यज्ञ से जो खीर निकला था वो खीर को उनको माता ने खाई है, इसलिए इनके शरीर से ये पृथु और अर्ची प्रकट हुए, लेकिन माँ की दोष से बच्चा दुष्ट बना। फिर हम कल सुनेंगे फिर पृथु कैसे उन्होंने अपना राज्य शासन किया, और पृथ्वी महाराज ने कैसे जगत में धर्म का स्थापन किया। निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि गौर वंचा गुल कृपा सिंधु भय वच पतितानम।